सीलिंग पर ग्रेनाइट का विंडो सिल इंस्टॉल करना है और लंबाई बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी एक दिक्कत क्या है, एक साइड में तो वॉल ही नहीं है, बिना वॉल को एल शेप में विंडो शेप में ग्रेनाइट इंस्टॉलेशन। अब लंबाई है नहीं तो यहाँ पर दो पीस लगने वाले थे, तो हमने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि सिंगल पीस में इंस्टॉलेशन हो गया। तो लंबाई कैसे हमने सेट की तो उसका भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि मैंने क्या किया। तो लंबाई ग्रेनाइट की बढ़ गई, तो हमने छोटे पीस को बड़ा करके यहाँ पर लगाया है, और वो भी बिना जॉइंट के। दूसरा, यहाँ पर एक साइड में विंडो का कोई सपोर्ट नहीं है, और दूसरा सिक्योरिटी तो बहुत मायने लगती है। आज लगाया और कल किसी के सर पर गिर गया तो जान हानि भी हो सकती है, माल हानि भी हो सकती है, किसी के हाथ पांव टूट सकते हैं। तो लगाने में और लगाने के बाद सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगाया तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चिपका रहना चाहिए, तो अभी तो ये कुछ नहीं हुआ है तो तब तक तो इसको बहुत सिक्योरिटी है। बाद में तो इसमें क्या होगा, लोहे की ग्रिल लग जाएगी और एल्यूमिनियम सेक्शन हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम तक अगर बीच में ये गिर गया तो किसी को लग सकता है यार। तो इसमें काम करते वक्त भी संभाल के काम करना पड़ता है, अगर हथौड़ा लग गया गलत जगह पर तो टूट के हमारे पाँव में आ सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एल्यूमिनियम सेक्शन हो गया है और अंदर के साइड में लोहे की ग्रिल हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम सेक्शन हो जाने के बाद ये डुमाट का सेक्शन है, बहुत हैवी आता है, तो इसका एक बहुत भारी इसको सपोर्ट मिल गया, और जो साइड में एक बड़ा पत्थर था वो भी हमने कटिंग कर दिया है फिनिशिंग के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम सीलिंग पर एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की विंडो सिल चिपकाने वाले हैं, जिसमें हमें एक ही साइड वर्टिकल सपोर्ट मिलने वाला है, एक कोना बिना दीवार के है यानी कि लटकता है, तो लटकती विंडो सिल चिपकाने वाले हैं, और दूसरा एल शेप में अगर विंडो शेप है और आपका ग्रेनाइट की लंबाई नहीं मिलती है या मार्बल की लंबाई नहीं मिलती है तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो लंबाई कम हो जाएगी उसी पीस में। मैं भरत मुजिद्रा, आपका छोटा भाई, टाइल्स किंग MBTV यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, बेल आइकॉन भी करो और लाइक भी करो। तो यहाँ पर हम टॉप इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, टॉप रेती सीमेंट के मसाले में सीमेंट का पानी डाल के इस्तेमाल किया गया है, और जो हम साइड के वर्टिकल लगाने वाले हैं उसमें भी हम रेती सीमेंट का मसाला ही भरते हैं, क्योंकि दोस्तों रेती सीमेंट के मसाले में चिपका हुआ पत्थर जब तक सूरज चांद रहता है कभी निकलता नहीं है, हर केमिकल से ज़्यादा स्टेंट आती है रेती सीमेंट के मसाले में। तो हम जो साइड के वर्टिकल खड़े करते हैं उसके अंदर भी रेती सीमेंट का मसाला ही भरते हैं दोस्तों। अब जो साइड के वर्टिकल हमें इंस्टॉल करने हैं तो उसमें सबसे पहले इस तरीके से हमें लीपण कर लेना है, थोड़ा थोड़ा एकदम कम सीमेंट दबा के लगा लेना है, इसको लीपण कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ मालूम नहीं। तो इस तरीके से हल्का सा सीमेंट का लीपण कर लेना है, उसके बाद में उस पर आप मसाला चलाओगे तो वो मसाला चिपका रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, वरना क्या होता है हम मारते हैं ना तो मसाला थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से लीपण करने के बाद अगर आप मारते हो तो मसाला कभी नीचे नहीं आता है, जितना मसाला चिपकाना है सीमेंट का आप चिपका सकते हो। और कातरा कटिंग वाली विंडो है तो सिर्फ दो जगह पर इस तरीके से लुंदी ही लगानी है हमें, पूरा मसाला लेके कभी इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं विंडो सील, वरना बहुत मेहनत होती है, जल्दी से ओरिम्बा नहीं होता है, ये ओरिम्बा बड़ी आसानी से हो जाता है। कातरा कटिंग वाली बारी कभी भी पूरा सीमेंट लेके नहीं लगाते हैं, ऊपर और नीचे थोड़ा ज्यादा सीमेंट की लुंदी लगा लेते हैं, उसके बाद में इसमें रेती सीमेंट का मसाला भरते हैं। लुंदी लग जाने के बाद उठाओ तगारो ले भाई जी, जो कातरा कटिंग वाला हिस्सा नीचे का होता है, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला कातरा कटिंग वाला नीचे का हिस्सा होता है, उसे पहले कभी अंदर नहीं डालते, इस तरीके से ऊपर रखते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा इस तरीके से नीचे उतारते हैं, और लेवल तो भी नहीं करते, बस तो इस तरीके से पहले थोड़ा नीचे उतारना है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम सीधा लेवल नहीं कर देना है, बस रहने दे। अब कोरा सीमेंट डाल दो, कोरा सीमेंट डाल दो इसके अंदर, अगर ये नीचे उतर गया
तो आपको उठा के बाहर निकालना पड़ेगा, पीछे पैकिंग डालने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है उसको पहले से ही थोड़ा बाहर रखो, अंदर मत जाने दो। अगर ये अंदर चला गया, नीचे का हिस्सा दिखाओ, नीचे का मेरी आवाज़ नहीं, नीचे का हिस्सा जरूरी है। अगर ये हिस्सा अंदर चला गया, अभी देखो एक mm बाहर है, अगर ये बाहर अंदर चला गया तो बाहर नहीं आएगा एक बार अंदर जाने के बाद। तो यहाँ पैकिंग लगा लेने हैं कि ये अंदर ना चला जाए, या सूखा सीमेंट डाल देना है, सूखा सीमेंट डाल दो। उसके बाद में सबसे पहले ऊपर का हिस्सा हमें अंदर कर लेना है और ओरिंग बार राइट कर लेना है। जब ओरिंग बार हो जाए उसके बाद में नीचे का लेवल सही कर लेना है, तब तक नहीं करना है। और सूखा सीमेंट थोड़ा ज़्यादा ही डाल देना है ताकि वो अंदर ना चला जाए। रेती सीमेंट का मसाला भरने के लिए कम से कम 1 इंच से ज़्यादा जगह होनी चाहिए, 1 इंच तो होनी ही चाहिए। सीलिंग पर पत्थर इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से छेद करना होता है पत्थर में, ये कोरबिट पाने से होता है, और मशीन को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसका डिटेल आगे के वीडियो में मैंने दिया है, तो इस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने एक इससे भी कठिन विंडो बनाया था, तब मैं यूट्यूबर नहीं था तो मैंने तस्वीर पर से सिर्फ आइडिया दी है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, वो सबसे बेस्ट है। कोरबिट से छेद करते वक्त सूखे ईंट में घिसना जरूरी है, और हो सके तो आप इसमें से कचरा निकालते रहे, इसके अंदर कचरा फंस जाएगा, वो कचरा निकालते रहना है तो बड़ी आसानी से छेद होता है। इसे बॉम्बे फास्टनर और एंचर फास्टनर कहा जाता है। अगर आपको ये खरीदने हैं तो हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे अमेजोन पर से भी खरीद सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पर से आपको ये फास्टनर मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो ये फास्टनर इस तरीके से बोल्ट और वाइसर के साथ लेने हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर लंबाई कम पड़ रही थी, 2 पीस आने वाले थे, तो आप देख सकते हो इस पत्थर को हमने एल टाइप में कटिंग किया है, ताकि जो दूसरा वाला पत्थर था वो सिंगल पीस हो गया दोस्तों, वरना यहाँ पर इतना एक पीस लगता था। और आप तो जानते हो सीलिंग में एक पीस बढ़ जाए तो कितनी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आप 3 फुट तक का सेटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसकी चौड़ाई 3 फुट तक आती है। तो इस तरीके से एल कटिंग करके आप दूसरे पत्थर की लंबाई कम कर सकते हो, या आप एक जॉइंट लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए हमने एल शेप कटिंग किया है, पत्थर दोनों साइड से बड़ा था, तो फिटिंग के बाद में साइड वाला हिस्सा भी हमने कटिंग किया है। ये दूसरे माले की थोड़ी रिस्क वाली विंडो है, यहाँ पर हमने 2 ऐसी विंडो बनाई है, एक थोड़ी इससे छोटी थी और ये बड़ी और हाइट वाली विंडो है। ये तकरीबन 25 फुट हाइट पर हमने बनाई है, और हर जगह पर जहाँ पर भी ऐसी विंडो बनानी है वहाँ पर लकड़े का पालक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पत्थर को हम सबसे पहले उस पर रख के उसका थोड़ा सपोर्ट लेते ही है, क्योंकि सीलिंग पर हम पत्थर को पकड़ के खड़े नहीं रह सकते। तो हमें इस तरीके से ये लकड़े लगा लेने हैं और लकड़े का सपोर्ट लेना है, बाद में ही काम होता है। अगर लकड़े लगा के रखे होंगे तो आपको काम करने में बड़ी आसानी होती है। इसमें हम जो एडिसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कौन सा है, मेरे वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ। और अगर लकड़ा रहेगा तो हथौड़ा मारते वक्त ग्रेनाइट में अगर लग गया और ग्रेनाइट टूट गया तो बचने के चांस है, किसी के हाथ पांव नहीं टूटेंगे, क्योंकि ग्रेनाइट लकड़े पर पड़ा होगा तो थोड़ी सेफ्टी रहती है दोस्तों, किसी को लगेगा नहीं काम करते वक्त। एक दो और 3 विंडो सिल में जो भी लंबाई वाले पत्थर लगाने हैं उसे कभी सिंगल नहीं लगाते, इस तरीके से थोड़ा छोटा मार्बल का पीस
पीछे चिपका के डबल पत्थर करके चिपकाओ तो टूटने के चांस कम हो जाते हैं। और मार्बल की कीमत ही क्या है दोस्तों, बहुत ही सस्ते में मिलता है, तो डबल पत्थर करके चिपकाओ। टेबल ले लो जल्दी चलो। महेंद्र टेबल पकड़। अब यहाँ जहाँ पर हमें फास्टनर लगाना है वो 2 इंच के बाद अगर कोई लोहे का सलिया आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फास्टनर लग जाएगा। तो आप देख सकते हो जहाँ पर भी ये हॉल किया है वहाँ पर लोहे का सलिया आ गया है, तो सभी हॉल में वो सलिया नलेगा क्योंकि सलिया पैरेलल एकदम राइट एंगल गया होगा। तो एक हॉल में अगर सलिया आया है तो बाकी के सभी हॉल में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ थोड़े सफाई के काम करना है क्योंकि उसके अंदर जो हम कीली मारने वाले हैं वो स्प्रेड नहीं होगी और आगे का हिस्सा खुलेगा नहीं। जब तक आगे का हिस्सा खुलेगा नहीं तो उसके अंदर खिली जाएगी नहीं तो फास्टनर लगेगा नहीं, और हो सकता है वो जो हम अंदर खिला लगा रहे हैं वो बैंड भी हो जाए। तो हमें क्या करना है, जितनी ज़रूरत है उससे 2-3 फास्टनर ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि इस तरीके से बैंड हो गया तो खिला दूसरा आप कहाँ से लाओगे। तो खिले के लिए हमें फास्टनर ज़्यादा खरीदने होते हैं, क्योंकि लोहे का सलिया आ जाता है तो ना ड्रिलिंग होगा ना ये फास्टनर अंदर जाएगा बड़ी आसानी से, थोड़ी दिक्कत होती है। और 2 इंच तो कम से कम अंदर जाना चाहिए आरसीसी के अंदर, वरना ये चिपकता नहीं है, बाहर आ जाएगा आरसीसी को तोड़ के। तो 2 इंच से ज़्यादा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी पकड़ आती है और स्टैंड आएगी, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चिपका रहेगा। फास्टनर लगाने में आप कोई भी एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर सरिया फिक्सिंग का एडिशन इस्तेमाल किया है, ये सबसे बेस्ट होते हैं। जो सरिया फिक्सिंग के लिए जो एडिशन इस्तेमाल होता है ये वही एडिसिल है, मैं आपको वीडियो में उसका लिंक भी दे दूंगा और आपको यहाँ पीछे दिखा भी दूंगा कि ये कौन सी कंपनी का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे बेस्ट आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी एडिसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि बॉम्बे मसाला झटपट या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, वो चलती है यहाँ पर, क्योंकि काम फास्टनर करता है। ये तो सिर्फ पैकिंग के लिए होता है कि थोड़ा टाइट रहे बाद में, वरना जो काम करेगा वो तो फास्टनर खुलने के बाद अपना काम कर ही देता है। तो आप कोई भी एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हो।
ये डबल पत्थर किए हुए हैं, कभी भी सिंगल पत्थर नहीं लगते हैं। तो ऊपर एक मार्बल का पेटा बीम चिपकाया हुआ है ताकि इसकी चौड़ाई बढ़ जाए और ये टूटे नहीं। और डबल पत्थर में इसमें हॉल भी किया गया है, जो हॉल किए हैं वो भी डबल पत्थर के साथ ही किए गए हैं। ये फिरमेट कंपनी का सरिया फिक्सिंग का हमने एंचर ग्राउट इस्तेमाल किया है, इसे एंचर ग्राउट कहते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अमेज़न से ख़रीदना है तो ये सबसे बेस्ट होता है। ये डबल पेस्ट होता है, एक पाउडर और लिक्विड आता है, दोनों को मिला के लगाना होता है और ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होता है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। अब आता है वीडियो का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है दोस्तों, आपने यहाँ तक देखा है उसका मतलब है वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। आपके छोटे भाई का चैनल है, आपके भाई को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो वाइट एडिसिव पॉलीमर है, जो हम टाइल्स पर चिपकाने वाला केमिकल इस्तेमाल करते हैं यही है। वो अच्छी क्वालिटी का आता है वाइट वाला, तो आप वाइट आता है जो एडिसिव उसका इस्तेमाल करो। और उसके अंदर थोड़ी रेती तो डालनी ही है दोस्तों, क्योंकि रेती के मसाले की जो ताकत होती है वो किसी एडिसिव की नहीं होती है। तो इसमें हमने थोड़ी रेती तो ऐड किया ही है, क्योंकि रेत का मसाला ही सबसे बेस्ट है। तो ये वाइट पॉलीमर बेस्ड टाइल्स एडिसिव है, इसमें रेती डाल के इस तरीके से हमने इसको बाद में इंस्टॉल कर लिया है। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर दो, इतना तो बनता ही है दोस्तों, एक लाइक में आपका क्या जाएगा। और कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से मेरा वीडियो रिव्यू में जाता है, तो प्लीज़ कॉमेंट करो। फाइनल वर्क वाला वीडियो मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया है, दोबारा टाइम नहीं लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।